ओके बच्चों भाई कैसे हो। लास्ट टाइम जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में जो एमसीक्यू थे वो क्लियर नहीं थे, कमेंट सेक्शन में मैंने देखा। तो भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, यूएसपी ही क्वेश्चन है, एमसीक्यू है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सॉल्व करने हैं, तो उसको तो करेक्ट होना ही चाहिए। तो मैंने इसके अंदर कुछ एडिटिंग करके करेक्ट किया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फालिश के मायने क्या है। ढीला कर देने वाला, निस्फ निस्फ कर देने वाला, बेहोश कर देने वाला, सुखा देने वाला। तो ढीला कर देने वाले का मतलब होता है इस तरह, है ना, इस तरह। निस्फ निस्फ कर देने वाला यानी आधा आधा कर देने वाला, फालिज के मायने ही निस्फ निस्फ कर देने वाले के हैं, तो फालिज के मायने है निस्फ निस्फ कर देने वाला, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बेहोश कर देने वाला यानी सुबात गहरी लंबी नींद को सुबात कहते हैं, कोमा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकेंड क्या है, मैचिंग है, फालिज मकामी। मकामी क्या है, जो बदन के एक हिस्से में हो, एक मुकाम पे हो, ठीक है। फालिज आम यानी जनरल पैरालिसिस, जो पूरे बदन में हो। इतराफी, जो बदन के नीचे वाले हिस्से में हो। और फालिज निस्फी, जो बदन के आधे हिस्से में हो। तो इसके अंदर क्या है, बी ए सी डी, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, बलगमी एंड सफरावी रुतूबत की वजह से बदन की एक तरफ के आसाब के मबदा बिगड़ जाते हैं। नुस्व दिमागी की वजह से फालिज से पहले सुबात होता है। सबसे पहले तो नुस्व दिमागी का मतलब क्या होता है, शरीयान का फट जाना, है ना, यानी हेमरेज। उसके बाद बलगमी और सफरावी रुतूबत की वजह से बदन के एक तरफ के आसाब के मबदा बिगड़ जाते हैं। तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है बलगमी और दमवी रुतूबत की वजह से, जो असबाब है, तीन असबाब दे रखे हैं। तो फालिज के पहला असबाब है शरियान का फट जाना, दूसरा असबाब है बलगमी और दमवी रुतूबत की वजह से आसाब के मबदा बिगड़ जाते हैं, और तीसरा असबाब है शरियान में सुद्दे हो जाना। तो इसके अंदर स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट टू करेक्ट है, सी ऑप्शन। एजर्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फालिज जो उमूमन राइट साइड में होता है उसमें अमराज समामत कल्ब मिलता है, ठीक है। राइट साइड में जो फालिज होता है वो किस वजह से होता है, हमने देखा था शरियान के में सुद्दे की वजह से होता है, तो उसकी वजह से क्या मिल रहे थे हमें, अमराज समामत कल्ब मिल रहे थे। उसके बाद जो है, क्योंकि ये दिमाग के शरियान के फटने से होता है और आजा ढीले जाते हैं, सबसे ये रीजन इसका इनकरेक्ट है। एजर्शन जो है ट्रू है, रीजन इसका फॉल्स है। रीजन इज ट्रू, एजर्शन इज फॉल्स, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। उसके बाद क्या है, समरकंदी का कॉल है, चार कॉल दे रखे हैं, हमने मेन तीन कॉल पढ़े थे, इसमें समरकंदी का कॉल पढ़ा था, साहिब कामिल का कॉल पढ़ा था, जालिनूस का। सीक्वेंस में हमने याद किया था, सबसे पहले समरकंदी का कॉल था, उसके बाद जालिनूस, उसके बाद साहिब कामिल, अबुविन अब्बास मजूसी का कॉल था, साहिब कामिल का कॉल था, उसके बाद जालिनूस का कॉल था, बुकरात का यहाँ पे कोई कॉल नहीं था। समरकंदी ने क्या कॉल दिया था, लंबाई में जो फालिज होता है, समरकंदी ऐसे याद रखो लंबे थे, तो लंबाई में जो फालिज होता है जुबान से लेके पूरे हिस्से को ढीला कर देता है। उसके बाद क्या है, सर के अलावा पूरे बदन के आजा ढीले हो जाते हैं। तो समरकंदी का कॉल था लंबाई में, और साहिब कामिल ने सर को एक्सेप्ट कर दिया। जालिनूस ने तीन कॉल दिए थे, जिसमें से मेन जालिनूस का ये था कि अगर बदन के निस्फ हिस्से पे होगा तो फालिज, वरना नुखा के पूरे हिस्से पे होगा, दोनों तरफ होगा तो सत्ता हो सकता है। तो दिमाग के पिछले हिस्से में निस्व में आफत आएगी तो फालिज, वरना सत्ता, ये जालिनूस का कॉल था। बुकरात ने सरा पे कॉल दिया था, सरा में बेहोशी और तशन्नुज के दौरे आते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो कैसे याद रखेंगे, समरकंदी ने लंबाई में दिया था, साहिब कामिल ने सर को एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट फेस अबू बिन अब्बास मजूसी ने, जालिनूस ने तीन कॉल दिए, जिसमें से उन्होंने बोला अगर नुखा के दोनों तरफ आफत आएगी तो फिर सत्ता होगा ज्यादातर कॉल में, और एक तरफ आएगी या एक हिस्से में आएगी तो उसी तरफ का फालिज होगा। फालिज तहतानी किसको बोलते हैं, फालिज तहतानी बोलते हैं फालिज असफल को, फालिज अतराफी को, टांगों के फालिज को, ठीक है। ये पेरिफेरल पैरालिसिस होता है,
तो इसकी वजह से इसको फालिज असफल भी बोलते हैं, अतराफी भी बोलते हैं, और टांगों का फालिज होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उजू की हरकत जायल हो जाने का नाम खुद्र है। पहले तो खुद्र किसको बोलते हैं, हाइपोस्थीसिया, लॉस ऑफ सेंसेशन। वो उजू की जब हिस जायल हो जाती है तो उसको खुद्र बोलते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन, और उजू की जब हरकत चली जाती है तो उसको इस्तरखा या फालिज बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हरकत होना चाहिए, मोटर एक्टिविटी, एंड यहाँ पे हिस होना चाहिए, सेंसेशंस। ओके, तो इसके अंदर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। फालिज नस्वी किसको बोलते हैं, फालिज नस्वी बोलते हैं लकवा को। जबान और जो है बदन दोनों मफलूज हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद क्या है, बुकरात का कौल है, मबदा उल नुखा की इब्तिदा में कोई आफत आ जाए तो चेहरे के अलावा तमाम हिस्से का फालिज हो जाता है, और एक हिस्से में आए तो एक हिस्से का फालिज हो जाता है। ये कौल तो करेक्ट है कि मबदा उल नुखा के अगर दोनों तरफ आफत आएगी तो, या इब्तिदा में आफत आएगी तो फिर क्या होगा, चेहरे के अलावा तमाम बदन का फालिज हो जाएगा, वरना जिस हिस्से में आफत आई है वहीं का फालिज है। कॉल तो करेक्ट है, पर ये कॉल दिया है जाली नूस ने, बुकरात ने, बुकरात ने इस पे कॉल नहीं दिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या कहती है, जाली नूस का कॉल है कि मब्दुल नुखा के नजदीक दिमाग के दोनों हिस्से बीमार हो सकते हैं और एक हिस्सा फालिज, या तो दोनों हिस्से बीमार होंगे, ठीक है, तो सकता होगा, दोनों हिस्से, फिर से वही है, दोनों हिस्से बीमार होंगे तो सकता होगा, और एक हिस्सा है तो फालिज, ठीक है, निस्फ है तो फालिज, दोनों हिस्से हैं तो फिर सकता होगा, और इब्तिदा में है तो फिर चेहरे के अलावा पूरी बॉडी का फालिज हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, दोनों ही कॉल जालेनोस के हैं। स्टेटमेंट टू करेक्ट, वन फॉल्स। फालिज के मुतरादिफात हैं मर्ज, निस्फ, इस्तरखा, अधरंग, ऑल ऑफ द अबव। तो टेंथ का ऑप्शन है करेक्ट, डी। ठीक है, नाउ वी हैव डन द एमसीक्यूज, लेट्स डाइव इनटू द थ्योरी पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स अ टॉपिक, अ फर्स्ट टॉपिक, अबू बिलक्सिया। देखो क्या होता है अबू बिलक्सिया, आज का पहला टॉपिक जो है, देखो किसको बोलते हैं अबू बिलक्सिया, जनरल पैरालिसिस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जनरल पैरालिसिस को बोलते हैं, पहले तो ये याद रखो। ये कैसे हमें पता लगता है कि जनरल पैरालिसिस, जिसमें हेड और फेस इन्वॉल्व नहीं रहेगा, पूरी बॉडी का जो पैरालिसिस होगा उसको बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं हम अबू बिलक्सिया। वरना क्या होता है, फालिज की अलग अलग टर्म है, फालिज मकामी, फालिज निस्फी, फालिज आम, फालिज अतराफी, फालिज असफल, जो भी ये सब नाम है। अबू बिलक्सिया क्या है, फेस और हेड को छोड़ के जो पूरी बॉडी का पैरालिसिस हो जाएगा उसको अबू बिलक्सिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल पैरालिसिस अबू बिलक्सिया। मवाद या रुतूबत मबदा, इसका कॉज क्या है, कॉज इसका ये है, जो भी मवाद होगा, ठीक है, वो कहाँ पहुंचेगा, वो नुखा के दोनों तरफ, जब नुखा के दोनों तरफ गिर जाएगा तो फिर क्या होगा, नुखा है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसके दोनों तरफ जब मवाद, या फिर जो होगा, नुखा है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके दोनों तरफ जब मवाद गिर जाएगा तो उसको, उससे क्या होगा, ऑब्वियसली पूरी बॉडी मफलूज हो जाएगी और चेहरा और फेस उसमें नहीं होगा इन्वॉल्व। ठीक है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं अबू बिलक्सिया, जनरल पैरालिसिस, एक्सेप्ट फेस एंड हेड, पूरी बॉडी जो है क्या हो जाएगी, मफलूज हो जाएगी। तीन इसके कॉल हैं, साहिब कामिल यानी कि हमारे अबू बिन अब्बास मजूसी, उसके बाद राजी जालीडूस। जो साहिब कामिल ने बोला है कि ये सिंपल अबू बिलक्सिया और फालिज में कोई फर्क नहीं है, उसी को फालिज बोलेंगे, उसी को लकवा बोलेंगे, उसी को खुला बोलेंगे। एक और टर्म याद कर लो, फालिज को खुला भी बोलते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है, साहिब कामिल के अकॉर्डिंग, अबू बिलक्सिया को, जिसमें हेड और नेक इन्वॉल्व, हेड और फेस इन्वॉल्व नहीं है, पूरी बॉडी में फालिज हो जाता है, उसको फालिज, लकवा या खुला बोलते हैं। राजी क्या बोलते हैं, राजी ने बोला कि अगर फालिज छोटे उजू में होगा, जो छोटा होगा और लागर होगा, तो वो लाइलाज होगा, उसमें कोई आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जितना छोटा उजू होगा वो उतना ही लाइलाज होगा जिसपे फालिज हुआ है। मान लो किसी उंगली का फालिज हो गया, तो वो जितना छोटा होगा उजू, यानी उंगली छोटी सी होती है, तो वो उतना ही ज्यादा उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है। जालीनूस ने बोला कि अगर फालिज में जब दिमाग की रुतूबत कहाँ पहुंच जाती है, आसाब तक पहुंचती है, और आसाब की दोनों तरफ गिर जाती है, तो अपने पीछे दिमाग में एक हरारत या गर्मी छोड़ जाती है। ठीक है,
तो क्या होगा, जब आसाब से रुतुबत, दिमाग से रुतुबत आसाब तक पहुंच गई तो अपने पीछे क्या छोड़ गई, गर्मी छोड़ गई। ये किसने बोला, जालिनूस ने बोला। तो तीनों कॉल है। साहिब कामिल ने क्या बोला, सिंपल सा उन्होंने बोला कि ये फालिज है, लकवा है, इसी को खुला भी बोलते हैं। राजी ने बोला कि अगर छोटा उजू होगा तो वो लाइलाज होगा, और जालिनूस ने बोला कि अपने पीछे वो क्या छोड़ के जाएगी, गर्मी छोड़ के जाएगी। ठीक है, अब फालिज को इस्तरखा खास भी बोला जाता है। फालिज को इस्तरखा खास उस वक्त बोला जाता है, फालिज को इस्तरखा खास उस वक्त बोला जाएगा जब फालिज बदन के एक उजू पे होगा, ना कि पूरे बदन में। यानी कि फालिज इस्तरखा खास है जब वो बदन के सिर्फ एक ही उजू पे होता है, एक उजू पे, पूरे बॉडी में नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इस्तरखा खास। उसके बाद उन्होंने बोला, जालिनूस ने क्या बोला कि जब रुतुबत दिमाग से कहां पहुंचेगी, आसाब तक पहुंचेगी, तो अपने पीछे दिमाग में हरारत छोड़ जाएगी। तो यहां है इसका मतलब हरारत रह जाएगी दिमाग में, तो इसका मतलब फालिज में जो मिजाज होता है उसके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या देंगे, फालिज में मुंजे झाड़ देंगे, बतौर नुस्खा देंगे। ठीक है, पहले क्या करते हैं, ऑब्वियसली मवाद को क्या करेंगे, पकाएंगे। ठीक, मवाद पकाने के लिए हमको मुंजिज देना पड़ेगा, वो मुंजिज क्या देंगे, मुंजिजे हार देंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसमें एक नुस्खा है जीरबाद। जीरबाद जो होता है इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन है, जो कि फालिज में दिया जाता है। अगर फालिज में हरारत फालिज के साथ प्रेजेंट हो तो उसके साथ क्या दिया जाता है, जीरबाद दिया जाता है। ये प्याज, सिरका, शोनीज, रोगन और बादाम, रोगन ए बादाम से बना होता है। ठीक है, तो जीरबाद दिया जाता है अगर फालिज के साथ हरारत भी प्रेजेंट हो, तो उसमें क्या नुस्खा देंगे, जीरबाद देंगे। अच्छा, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फालिज अतराफी। बुक क्या बोलती है, इस बुक में लिखा है फालिज अतराफी को फालिज असफल या फालिज तहतानी बोलते हैं। कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फालिज तहतानी क्या होता है या फालिज अतराफी क्या होता है। फालिज अतराफी को ही फालिज असफल या फालिज तहतानी बोलते हैं। ये जो होता है ये किसका मर्ज है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्वियसली ये बॉडी के नीचे हो रहा है, तो ये नुखा का या स्पाइनल कॉर्ड का पेरिफेरल रीजन में हो रहा है, तो ये किसका मर्ज है, नुखा का मर्ज है। ये जिस्म के जेरी इतराफ यानी कि पेरिफेरल रीजन में होता है। ठीक, पेरिफेरल रीजन में यानी कि किसमें होगा, मसाना, टांगे और मिकद इससे मुतासिर होंगी। तो फालिज अतराफी क्या है, किसको इन्वॉल्व करती है, टांगे, मसाना, मिकद को इन्वॉल्व करती है, और इसी को फालिज असफल या फालिज तैतानी बोलते हैं। उसके बाद फालिज तरकीबी, एक फालिज है जिसको फालिज तरकीबी बोलते हैं। ये जो फालिज है एक तरीके से याद रखो, इसमें नुखा और उसकी झिल्लियां इन्वॉल्व होती हैं। जैसे वर्म में नुखा, नुखा में यानी स्पाइनल कॉर्ड का अगर वर्म हो जाए, या जो नुखा यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो झिल्लियां हैं, अक्षियां हैं, उनका वर्म हो जाए तो फिर भी फालिज होगा। तो ये इसमें क्या होता है, फालिज तरकीबी में नुखा और उसकी झिल्लियां दोनों इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल वर्म नुखा में और वर्म अक्षिया नुखा में। उसके बाद फालिज इन इकासी, फालिज इन इकासी में क्या होता है, इसमें नुखा नहीं, स्पाइनल कॉर्ड या उसकी झिल्लियां इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि इसमें कोई और दूसरा उजू इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कोई दूसरा उजू इन्वॉल्व होता है, कोई दूसरा उजू इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल एक टांग पे, एक रान पे गोली लगने की वजह से दूसरी रान मफलूज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, फालिज इन इकासी। इसमें स्पाइनल कॉर्ड का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, और लास्ट है फालिज जुनूनी या फालिज मुफ्तर उल अक्ल। इसमें क्या होता है, फालिज जुनूनी या मुफ्तर उल अक्ल में क्या होता है, मोस्टली ओल्ड एज में, बुढ़ापे में जाके होता है। बहुत ज्यादा बड़ी फिक्र में रहने वाले, स्ट्रेस में रहने वाले जो लोग हैं, या कसरत मुबासरत करते हैं, या फिर जो है शराब खोरी ज्यादा करते हैं, ठीक है, ज्यादा शराब पीते हैं, या फिर सेक्सुअली एक्टिव ज्यादा है ओल्ड एज में जाके, और बड़ी जो है फिक्रमंदी में रहते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, फालिज जुनूनी हो जाता है, एक जुनून पैदा हो जाता है, मुफ्तरुल अक्ल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अखलाक बिगड़ जाते हैं, उनकी अक्ल बिगड़ जाती है, बद अखलाक हो जाते हैं, फिजूल खर्ची करने लगते हैं, कारोबार पे ध्यान नहीं देते, और जो है शराब नोशी में और बेकार की आदतों में ज्यादा रहते हैं। ठीक है,
सबसे पहले मैंने क्या बताया, अबुबिलक्सिया। अबुबिलक्सिया क्या होता है, जनरल पैरालिसिस होता है। इसके अंदर पैरालिसिस होता है पूरी बॉडी का एक्सेप्ट हेड एंड फेस। किस वजह से, क्योंकि मवाद जो है दोनों तरफ गिर रहा है नुखा के। साहिब कामिल ने इसको फालिज बोला, लकवा बोला, खुला बोला। राजी ने बोला भाई कि अगर छोटे से उजू पे होगा तो वो इलाज होगा। जालिनूस ने बोला अगर दिमाग से जब रुतुबत बह जाती है तो पीछे दिमाग में गर्मी छोड़ जाती है। फालिज को फालिज सरका तब बोलते हैं जब वो सिर्फ एक उजू में हो, ना कि पूरे बदन में। और इसमें जब फालिज के साथ गर्मी इन्वॉल्व हो तो जीरबाज देते हैं, जो प्याज, सिरका, शोनीज और रोगन बादाम से बना होता है। फालिज में, मिजाज में क्या होती है, गर्मी होती है तो मुंजे हार देंगे बतौर नुस्खा। उसके बाद फालिज अतराफी जो कि किस में होता है, पेरिफेरल एरिया में, पेरिफेरल रीजन में होता है बॉडी के, उसको तैतानी असफल भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो होता है किसका मर्ज है, नुखा का, स्पाइनल कॉर्ड का, यानी कि जो है नीचे वाले एरिया की कहीं पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो गई होगी या वहां पे रुतुबत गिर गई होगी तो फालिज होगा। उसके बाद फालिज तरकीबी, ये नुखा और ये भी नुखा और उसकी झिल्लियों का मर्ज है। फॉर एग्जाम्पल नुखा में अगर वर्म हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, या नुखा की जो झिल्लियां हैं मेनिंजेस उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए। उसके बाद जो है फालिज इनिकासी, ये जो होगा ये किसी उजू, दूसरे उजू की वजह से होगा, ना कि स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। तो अगर एक रान में गुल लग जाए तो दूसरी रान मफलूज हो जाती है। और फालिज जुनूनी, बुढ़ापे का मर्ज है, ओल्ड एज में जब बड़ी फिक्र में रहते हैं जो लोग, या फिर कसरतें जिमा करते हैं, या फिर जो है शराबखोरी करते हैं तो बद अखलाक हो जाते हैं, फिजूल खर्ची करते, कारोबार पे ध्यान नहीं देते, तो उनको क्या हो जाता है, फालिज हो जाता है। फालिज जुनूनी या फालिज मुफ्तरुल अबुबिलक्सिया। क्या बताया था मैंने, अबुबिलक्सिया किसको बोलते हैं, अगर मवाद जो है रुतुबत रामस वफदल नुखा के से इस तौर पे गिरे कि दोनों जानिब आम हो और चेहरे के अलावा तमाम आजा मफलूज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अबुबिलक्सिया बोलते हैं। करेक्ट, क्या है, चेहरे के अलावा तमाम बदन मफलूज हो जाएगा और मवाद जो है रामस के दोनों तरफ आम होके गिरेगा। साहिब कामिल ने क्या बोला, साहिब कामिल बोलते हैं कि अबुबिलक्सिया फालिज व लकवा और खुला है। ठीक है, उसके बाद जो जीरबाज जो होते हैं उस वक्त पिलाते हैं जब फालिज के साथ हरारत भी हो। ये पॉइंट भी क्लियर, फालिज के साथ हरारत होगी तो उस क्या देंगे, जीरबाज देंगे। राजी का क्या कॉल है, राजी ने बोला अगर फालिज ज़दा उजू जो है बहुत छोटा होगा और लागर होगा तो ला इलाज होगा। ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद क्या है, मर्ज फालिज में मिजाज क्या होता है, मिजाज के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है और इसी वजह से बतौर मुंजिज इसमें जो नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है, मुंजिज हार इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जालिनूस का कौल है कि फालिज जब दिमाग की रुतुबतें आसाब के तरफ बह जाती हैं तो अपने पीछे गर्मी छोड़ जाती है। पॉइंट क्लियर। उसके बाद फालिज इस्तरखा खास तब कहलाता है जब वो बदन के किसी उजू में ना हो बल्कि सिर्फ एक तरफ हो। ठीक है, एक तरफ हो, मैंने एक उजू बोला था, सॉरी एक तरफ हो। ठीक है, एक तरफ हो, उसे करेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या है, फालिज तहतानी फालिज असफल, फालिज अतराफी, ये जो होता है नुखा का मर्ज है। सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसका मर्ज है, नुखा का मर्ज है। और ये जो होता है ज़ेरे अतराफ टांगों मसाना मकदमे होता है। फालिज तरकीबी से मुराद है नुखा और उसकी झिल्लियों की साख्त का मर्ज। नुखा वर्मे नुखा, वर्मे अक्षिया नुखा वगैरह में होता है। फालिज इनिकासी, इसका मतलब ये है कि जब हराम मग्ज और उसकी झिल्लियों में नहीं होता, ये हराम मग्ज और उसकी झिल्लियों में नहीं होता बल्कि उसके बाद के उजू में कोई आफत आ जाती है तो होता है ये। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई उजू मुतासिर है तो तशन्नुज इनिकासी होगा और उसके बाद फालिज मुफ्तर उल अक्ल या फालिज जुनूनी, ये किन लोगों में होता है, ये जो बड़ी गौर व फिक्र में कसरत मुबासरत में शराबखोरी में रहते हैं उन लोगों को फालिज हुआ करता है। ये जो होता है ये बूढ़े लोगों में होता है, अधेर उम्र के लोगों में होता है। और इसमें क्या होता है, वो जो लोग होते हैं अखलाक बद अखलाक हो जाते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं और कारोबार में ध्यान नहीं देते। ठीक है, दीज आर द MCQs। आई होप दिस टाइम यू फाइंड इट ईजी एंड कन्वीनियंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। टेक स्क्रीनशॉट्स, जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट्स और सॉल्व करके मुझे आंसर दो।